और ये है देसी लोगों का देसी खाना फरा। किस किस तो गाइस मैंने सही कहा ना, देसी लोगों का देसी खाना। हम भाई गांव देहात के लोग हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस, घड़ी में बजने वाले हैं 3:10 बाकी हैं, घड़ी में बजने वाले हैं 3, आपको दिख रहा होगा। तो जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि गाइस क्या है ना, आज है शुक्रवार और आज कुछ कूड़े कबाड़े थे जो बहुत साफ़ सफाई हुई। रात को गाइस हमें इतना मच्छर काटा ना, पूरी रात पूरा पैर ऐसे लग रहा था जैसे भगवान क्या हो गया, पैर में इतने दाने निकल गए थे। मैं तो बैठ के रो रही थी, इतने ऑल आउट जला लिए, ऑल आउट अभी तक जल रहा है। और वो मच्छर वाली अगरबत्ती आती है ना, उसे भी लगा लिया, फैन भी चला लिया, मच्छर जा ही नहीं रही। यहाँ कपड़े रखे हैं, कपड़ों में भरे पड़े। और फिर मतलब कूलर था, कूलर भी जंगले के पास था, कूलर में भी भरे पड़े। फ्रिज में थोड़ा सा पानी निकला था वहाँ वहाँ की वजह से भी। तो भाई साहब बहुत मच्छर काटे रात में, सही बता रही हूँ, पूरी रात हम सो नहीं पाए। तो आज मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के पहले हम क्या करते हैं, कूलर को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कूलर की ज़रूरत अब नहीं है, अब सर्दियाँ आ गई हैं। तो सुबह सुबह उठते ही हमने और पतिदेव ने घर की साफ़ सफाई तो मैंने बिल्कुल भी आज नहीं की थी, बस झाड़ू झाड़ू लगा लिया था, कूलर हटाया, कूलर में जितना भी गंदगी था सब साफ वाफ करके कूलर ऊपर जीने पे रखा है, फ्रिज की सफाई करी मैंने। और फिर आप लोग देख सकते हो जो कूलर का स्टैंड था यहाँ ला करके, अब कूलर के स्टैंड पे हमने कपड़ा बिछा करके कपड़े तही लगा के रख दिए। पहले मैं चेयर पे रखती थी, चेयर को यहाँ पे रख दिया है मैंने। तो यही सब गाइड सुबह से कर रही थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो मैं आपको अपनी गैलरी दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया से साफ़ सफाई हो गई गैलरी की। तो गाइज पहले यहाँ पे कूलर रहता था, तो यहाँ जंगले से अंदर नहीं दिखता था, बट अब दिखता है। तो यहाँ पे मुझे पर्दा लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर रात को दिखता है। तो भाई साहब यहाँ इतने मच्छर हो गए हैं कि डेली मच्छर मारने वालों को आना पड़ता है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आज तो गली वाले आए हैं जो घर में घुस घुस के मारते हैं। कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा गली ऐसे धुआं धुआं का हुआ है। यहाँ पे गाइस किचन की भी सफाई करी है मैंने, तो सुबह से आज यही सब चल रहा है, पूरा किचन भी क्लीन किया है, तो देख सकते हो आप लोग थोड़ी सी सफाई और फिनिशिंग हो गई है। तो यही सब है, तो मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म होने वाली है गाइस, बीमारी सही हो गई अब। तो कमरा भी बहुत मतलब अच्छे से सेट कर दिया मैंने, फ्रिज वगैरह भी, तो आप देख सकते हो। और जितने भी बोतल थे गाइज ना, हमने सारे बोतल फेंक दिए हैं, जो ये थे ड्यू वाले बोतल, बस एक बचा हुआ है, तो आप देख सकते हो। और गाइज 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 मेरे माता रानी की जोत जल रही है, आप लोग देख सकते हो सब कुछ कितने अच्छे से है। और हमारी जो खेती है, इस बार की खेती जो हमारी, हमने जौ बोए हुए हैं, बहुत अच्छी है। पिछली बार हमारा जौ नहीं जमा था गाइज अच्छे से। तो गाइज पिछली बार का जो हमने जौ बोया था, जैसे खेती बोलते हैं, जो हमने जौ बोया था ना, वो हमारा नहीं जमा था, क्योंकि हस्बैंड जी मार्केट गए थे, तो जौ मतलब हम दोनों ही मार्केट गए थे, तो जौ लाना हम भूल गए थे। तो बाद में मैंने इन्हें भेजा और दुकान वाले ने ना सड़े हुए जौ दे दिए, जिनमें मतलब घुन लग जाते हैं ना, वो पाउडर की तरह बन जाते हैं, वैसे वाले जौ दे दी थी। तो इसलिए उसके अंदर कुछ था ही नहीं, तो क्या जमेगा, तो इसलिए जमा नहीं था। और पिछली बार मेरे कमरे में चूहे भी आते थे, तो चूहों ने जो था थोड़ा बहुत उसे बीन करके खा लिया था, बट इस बार बहुत अच्छी मतलब आई है, हरी हरी सी एकदम, तो सही है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से मैंने केवल चाय पिया है, चाय नहीं पिया है, चाय के साथ थोड़ा बहुत जो खाने वाला होता है वही खाया है, मतलब नाश्ता किया, हल्का फुल्का चना वना खाया है, तो खाना अभी तक नहीं खाया मैंने। तो चलती हूँ खाना खा लेती हूँ। हस्बैंड जी आज लंच लेके भी नहीं गए गाइस, क्योंकि आज मेरे घर पे बना है फरा। हमारे जो यूपी बिहार वाले होंगे ना, उन्हें इस नाम से तुरंत ही पता चल जाएगा कि फरा क्या होता है, पर हमारे दिल्ली वाले नहीं जानेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को नहीं पता है फरा क्या होता है। तो चलिए गाइस आपको भी दिखाएंगे ज़रूर कि हमने कैसे बनाया है, क्या बनाया है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो भाई साहब यहाँ आ गया हमारा खाना, दोपहर का लंच है, 3:30 हो रहा है, और ये है देसी लोगों का देसी खाना फरा। किस किस ने बनाया है खाया गाइज कमेंट करना। तो गाइज मैंने सही कहा ना, देसी लोगों का देसी खाना। हम भाई गांव देहात के लोग हैं, तो
हम कहीं भी रहते हैं अपने ही कल्चर में रहते हैं, क्योंकि हम बचपन से गांव में हैं। 2-4 साल हम बाहर आके रह गए तो अपना रहन सहन नहीं चेंज कर सकते ना, तो खाना पीना हमारा सब कुछ वही रहता है गांव का। बस रहते हैं हम यहाँ, वो भी हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे हस्बैंड जी यहाँ रहते हैं भैया, तो हमें तो रहना ही पड़ेगा। अगर वो ना रहे ना, मतलब उनका जॉब यहाँ ना होता ना, तो मैं कभी भी शहर में आने की जिद नहीं करती भैया, क्योंकि क्या बताऊँ, नहीं बता सकती यार मैं, बहुत अकेलापन लगता है। कहीं भी निकल जाओ ना, कोई अपना नहीं मिलता। और जब हम गांव में रहते हैं ना, घर से थोड़ी सी दूर गए, इनकी बेटी है, इनकी बहन है, इनकी ये है, इनकी वो है, तो ये चीज़ अलग है। और यहाँ कहीं भी घूम के चले आओ, पूरा दिल्ली घुमाओ, कोई अपना नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता। तो अपना गांव गांव होता है, बस मजबूरी है जो कि रहना पड़ेगा। कोई नहीं, चलिए गाइस खाना खा लेते हैं। आइए आप भी हमारे साथ खा लीजिए, मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस जा रहे हैं हम छत पे, और अपने कूलर को हमने यहाँ जीने पे रख दिया है, जो यहाँ पे गत्ता था ना फ्रिज वालों से फेंक दिया। और भाई साहब छत पे जो कूड़ा उड़ा था आज हमने सारे ही फेंक दिए, बस 2-3 डब्बे बचे हैं। और छत की हालत देख लो, कितना कूड़ा कबाड़ा हुआ है। ये कुर्सी भी हमें फेंकनी नहीं, कबाड़ी वाले को दे देंगे। गाइस मैं छत पे आके थक गई, देख रहे हो छत की क्या हालत हो रखी है। तो चलते हैं छत साफ़ कर लेते। छत साफ़ करने के लिए झाड़ू मैं ले करके आई हूँ, और पौधों की तो भैया पता नहीं क्या बीमारी लग गई इनमें। मैं तो पौधे वाले को वेट कर रही हूँ, पौधे वाला कोई आ ही नहीं रहा कि तुलसी मैं दूसरी लगवा लूँ। तो चलिए गाइस छत की अभी की हालत आप देख लो, सफाई करने के बाद मैं आपको वापस से दिखाऊंगी। तो गाइज अब आप छत देख सकते हो, कितना बढ़िया से मैंने साफ़ कर दिया है, बिल्कुल भी ये एक भी कूड़ा नहीं है। और जितने भी कूड़े निकले हैं ना, मैंने यहाँ पे भर के रख दिए हैं। अभी जाऊंगी नीचे तो लेते जाऊंगी। तो देख सकते हो गाइज, तो इंसान कहीं भी रहता है ना, तो उसे साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, भले ही रेंट का घर हो, खुद का ना हो। क्योंकि भैया कोई दे रहा है अपना घर हमें, तो उसके घर की सफाई करना तो बनता है। तो गाइज हो गई अच्छे से साफ़ सफाई, और बहुत अच्छा लगता है जब घर की साफ़ सफाई रहती है। जिस घर में हम रहते हैं तो हमें साफ़ सफाई भी करते रहना चाहिए। तो बस यही पौधों की चिंता है गाइज, मुझे मेरे पौधों की चिंता है, क्या कर सकते हैं। पौधे वाला आता है फिर सही करवाते हैं, जो पौधे सूख गए उन्हें निकलवा देंगे, बाकी नए पौधे लगवाएंगे। क्योंकि भैया ऐसे सूखे सूखे पौधे अच्छे नहीं लगते, और फिर कान्हा जी को भोग भी लगाना होता है तुलसी जी का, तो तुलसी जी के पत्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं, वही थोड़े से हरे हरे बचे हुए हैं, उन्हीं से काम चल रहा है। तो यही सब है, तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।